कानपुर जहां योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला पर हो रहे अत्याचार बलात्कार मारपीट जैसी घटना को रोकने के लिए महिला सशक्तिकरण बनाकर अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं, वहीं कानपुर के थाना रावतपुर के प्रभारी से इंसाफ न मिलने कानपुर कमिश्नर से न्याय की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है, आरोपियों से मिलकर थाना प्रभारी ने मामूली धारा में अभियुक्त बनाया। जो घटना आरोपियों ने करी है, महिला को उसमें सही इंसाफ नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली की बात की जाए तो उसमें भी योगी जी यूपी पुलिस की कार्यशैली को सुधारने में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो महिला के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो वादे जमीनी स्तर पर सिमटे नजर आ रहे हैं। अपने घर पे तो उन लोग की निगर नहीं सही है। मैं अपने हस्बैंड को कई बार इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, पर उन लोगों ने क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने उनको वही 16 जुलाई थी रात को 9:30 का टाइम था, बस मेरे हस्बैंड आ रहे थे, बाहर से आए थे और उनके पैरों से चप्पल जरा सा लग गई, उन्हीं लोग की बीच रस्ते में रखी थी, पैर से लगी, फिर उन्होंने सही भी किया, वहाँ पर रख दिया वापस सर के, बस इसी बेस पे उन लोगों ने मिलकर बहुत मारा, मेरे हस्बैंड को चारों मिलकर मार रहे थे। मैं रूम में थी, सुहेल मेरे चाचा हैं, उनके 3-2 लड़के हैं वकार और शारिम, और एक उनका भाई है, गोद लिए हैं, इनके कोई बच्चे नहीं है, गोद लिए मेरी बुआ के बच्चे हैं, उन लोगों को गोद लिए, 3 लोग थे वो, 3 और मेरे चाचा, सब मिलकर मेरे हस्बैंड को। जी मेरा नाम यास्मीन है और क्या कहते हैं, ये रावतपुर अंसारी मोहल्ले का मामला है। अंसारी मोहल्ले में 116/288 मकान नंबर है मेरा, मैं उसी में रहती हूँ। और मेरे जो चाचा है सुहेल, वो और उनके लड़के जो है वकार सारीम और एक नसीम है नाम का उनका भाई, ये चारों मतलब इन लोग वहीं रहते हैं हमेशा, मतलब ऊट पटांग गाने गंदे। घटना 16 जुलाई की है और क्या कहते हैं, मैं घर में कमरे में थी और मेरे हस्बैंड से सिर्फ पैर से चप्पल लग गई उनकी, बल्कि मेरे हस्बैंड ने सही भी किया, उसको उसी जगह रखा भी, बस इसी बात को लेकर उन लोगों ने मारपीट चालू कर दी मेरे हस्बैंड के साथ। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की? जी मैंने की, रावतपुर थाने में की है, वहाँ भी कोई मतलब वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, बस आश्वासन देते हैं है? जी यहाँ मैं बड़े सर के पास आई हूँ, मैं पहली बार तो मतलब आई हूँ यहाँ सर, मुझे इतना पता नहीं है सर, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो कि मैंने मतलब सबका नाम पता हो, मैं बड़े सर के पास आई थी और वहाँ पर एक बार और आई हूँ मैं, मतलब एप्लीकेशन भी दिया था वहाँ पे, सब कुछ मतलब बताया भी था उन्होंने, बस और आज फिर मैं आई हूँ उनके पास, फिर मतलब पेन ड्राइव मेरे पास वीडियो भी है इस चीज़ की मारपीट हुई है जो मैं हम लोग, बस मैं हाथ जोड़कर योगी जी से, मैं यहाँ अगर कोई सुनवाई नहीं हुई सर तो मैं योगी जी के पास जाऊँगी और आगे से आगे जाऊँगी, बस योगी जी से हाथ जोड़कर अपील है कि वो हमारी हमें लोग को न्याय दें, और अगर न्याय ना मिला सर कहीं से भी न्याय ना मिला तो हम और मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची है जो छोटी सी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने की, और मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, बस सर और कुछ नहीं कहना चाहती मैं, बस योगी जी से यही हाथ जोड़ के हम लोग को न्याय दे दें।